नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 में कक्षा 11 की मनोविज्ञान की बुक से जो पाठ कर रहे थे, आज हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं चिंतन एवं भाषा। इससे पहले भी हमने कई पाठ जो है कक्षा 11 की बुक से देख लिया। आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के आई बटन में आपको रीट साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर हमारे द्वारा अपलोडेड सारे पाठ मिलेंगे। और दोस्तों, मैं एक नई प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, ये कक्षा 11 मनोविज्ञान की बुक से जो पाठ है उनकी, तो वहाँ पर आपको वो पाठ है मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, वीडियो का भी कर दीजिए लाइक शेयर और कमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो देखो, पाठ का नाम है चिंतन एवं भाषा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कई बार चिंतन शब्द का उपयोग करता है। यानी हम जो है डेली कोई बात करते हैं या किसी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं इस बात पर चिंतन करूँगा। कभी किसी वस्तु या व्यक्ति को याद करने में मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ध्यान देने में अनिश्चितता की प्रवृत्ति में सोचती हूँ आज मेरे रिश्तेदार मेरे यहाँ आएंगे के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जब हमें किसी का नाम याद नहीं आ रहा है कि मैं उसका नाम याद कर रहा हूँ यार, याद नहीं आ रहा है, या ध्यान देने में अब हम सोचते हैं ये कौन है, ये मेरे रिश्तेदार है कि नहीं, इस प्रकार हम जो है सोचते हैं। चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व, यानी चिंतन क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। चिंतन का अर्थ विस्तृत है जिसमें अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम शामिल है, यानी इसके अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक प्रक्रम शामिल होते हैं। चिंतन प्रसंगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी जो संगठित चिंतन है वो क्या होता है दोस्तों, संगठित होता है और लक्ष्य निर्देशित होता है। खाना बनाने से लेकर गणित की समस्याओं हल करने तक दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियों का एक लक्ष्य होता है। यानी खाना बनाने से लेकर गणित की जो कोई भी प्रॉब्लम हो उन सभी का एक लक्ष्य होता है। इस अध्याय में चिंतन एवं भाषा के विकास को समझाया गया। सबसे पहले चिंतन के अर्थ, स्वरूप, प्रकार को स्पष्ट किया गया। चिंतन किस तरह किया जाता है इसके मूलतः दो प्रकाश डाले गए। अंत में भाषा के स्वरूप, प्रकार, संरचना, विकास तथा भाषा की व्यक्ति के जीवन उपयोगिता को समझाया गया। तो सबसे पहले देखो, चिंतन की परिभाषा व स्वरूप। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया जो सभी प्राणियों में होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या नोट करने वाली बात है दोस्तों कि चिंतन क्या है दोस्तों, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जो प्राय सभी प्राणियों में होती है, सभी प्राणियों में होती है। और चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को भिन्न भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो है ये वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ है। तो कुछ लोगों ने इसे एक मध्यस्थ प्रक्रिया माना, जो किसी समस्या तथा उसका समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य या बीच में होती है। बेरोन के अनुसार 1922 में चिंतन में संप्रति, प्रतिगप्ति, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी बेरोन ने 1922 में परिभाषा दी कि चिंतन में संप्रतियों, प्रतिज्ञाप्ति और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ये बेरोन के अनुसार था। फिर सिल्वरमैन ने 78 में कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या समाधान में मदद करती है। ये जो है दोस्तों सिल्वरमैन की परिभाषा है। फिर सेंट्रोक ने 95 में कहा कि चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ शामिल होता है, विशेषकर जब हम संपत्तियों का निर्माण करते हैं तो हम समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय करते हैं। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें चिंतन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जो निम्न है। पहली, चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ तो होता है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं। यानी वो जो चीज़ है वो मौजूद होनी जरूरी नहीं है, लेकिन उसका पूर्व ज्ञान जो है हमें हो जाता है, उसी आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर देखा नहीं जा सकता, अतः चिंतन प्रकार का एक अप्रकट व्यवहार है। यानी चिंतन जो है क्या है दोस्तों, एक अप्रकट व्यवहार है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक या कोई समस्या तथा उसकी प्रतिक्रिया के सही अनुक्रिया तथा अर्थात उसके समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। इसे स्पष्ट है कि चिंतन की प्रक्रिया किसी न किसी समस्या का समाधान होते हैं। यही चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे विकेटर ने समस्या समाधान व्यवहार कहा। यानी एक मनोवैज्ञानिक विटेकर, उन्होंने इसे समस्या समाधान का
व्यवहार कहा है। चिंतन के प्रकार, दोस्तों चिंतन के जो प्रकार हैं और बाकी जो आगे जो नेक्स्ट हैं आपके और भी कई पार्ट हैं वो हम कल या नेक्स्ट जो भी इसका वीडियो आएगा उसमें देखेंगे, आज हम इतना ही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का परिचय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहना स्वस्थ रहना।